बिल्कुल नहीं हिलेगी यहाँ से, इट्स इंटैक्ट। हाउ डज अ डॉग डू? बक बक। क्या कर रहे हो बेटा अकेले अकेले? पापा किधर गए? वॉशरूम। और मेरा बेटा अकेला यहाँ लेटा हुआ था, दिखाओ मामा को। और ये तुमने क्या करा है वहाँ पे? चलना जरा मामा के साथ, इधर आओ इधर आओ। अब ये अपने कर्म दिखाओ मुझे जरा, ये क्या करा है तुमने? सुबह सुबह उठते ही सारा सामान यहाँ से लड़की निकाल के फेंक देती है, जो इसे मिलता है सब बाहर। ये क्या किया है आपने गुड्डू? ये गिरा दिया है आपने। चलो अपने नाश्ता करो, कम टू मामा, कम टू मामा। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग गुच्छा मामा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाओ। हाउ डज अ डॉग डू? इधर दिखाओ मामा को, इधर करके दिखाओ। हाउ डज अ डॉग डू? How does a dog do? तो मैंने बनाया रूरू के लिए दलिया, और आई ट्राई कि मैं उसके दलिए में वेजिटेबल्स डालूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लौकी कस के डाली है, जिसकी वजह से इसके फाइबर्स भी हाई हो जाते हैं और एक वेजिटेबल भी बच्चे के डाइट में ऐड हो जाता है। ऊपर से मैंने डाली यहाँ पर शक्कर और हल्का सा मिल्क डाला है, बहुत सिर्फ यू नो एक कंसिस्टेंसी को सुधारने के लिए। और अभी मैं और रूरू जा रहे हैं पापा के साथ शॉपिंग करने। वीडियो शूट कर चुकी हूँ मैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड वीडियो, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं और इसके बाद जाके मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम भी करना है। तो अभी मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे, और बार बार कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कोई लाइट खोल के चला जाता है पीछे से, कोई गेट खोल के चला जाता है वॉशरूम का, वो हटाना, फिर बैकग्राउंड में से चीज़ें हटाना। सो इसी तरीके से मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, कभी कुछ और चेकआउट करती हूँ, क्योंकि हर हॉल में अलग अलग लुक होना ज़रूरी है। अगर सेम सब कुछ हो जाएगा, फ्लावर सेम, बिल्कुल बैकग्राउंड तो लगभग सेम रहता ही है, तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं लोग, तो इसलिए आई हैव टू चेंज थिंग्स। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो ऐसी थोड़ा मैसी हो जाती हैं चीज़ें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम दो, बट चलो कोई बात नहीं, अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई कैमरा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी कुछ दिनों से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, ना मैं आप लोगों से बात कर पा रही थी, ना डेली मैं ब्लॉग कर पा रही थी, बट आई हैव डिसाइडेड टू ब्लॉग डेली नाउ, चाहे कुछ भी हो, छोटा बने चाहे कुछ भी हो, बट मैं आप लोगों के लिए डेली एक ब्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ सिमरन ब्लॉग लेकर आओ, चाहे आप छोटा बना दो बट प्लीज़ रूरू को दिखाओ और भी सारी चीज़ें दिखाओ। तो आज एक स्पेशल डे है, श्राद्ध चल रहे हैं अभी और कल हम लोग जा रहे हैं, तो आज हमें श्राद्ध करना है। तो अभी जो बाबा हैं उनका श्राद्ध तो होता नहीं, आई थिंक मम्मी ने बताया कि 3 साल बाद होगा बाबा का श्राद्ध, बट अभी जो बाकी हम करते हैं नॉर्मल वाला वो करेंगे। और मम्मी ने शायद खीर और पूड़ी बना दी है, मेरा काम है सब्ज़ी बनाना, तो मैं जल्दी से जाती हूँ। और आज काफ़ी लेट हो गया हमें उठने में, क्योंकि रात हम बहुत लेट पहुँचे थे, यू नो शेड्यूल की धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब भी आप किसी ट्रिप पे जाने वाले होते हो ना, सारी तैयारी करनी, सब कुछ करना, एंड दिमाग से चीज़ें निकलती चली जाती हैं, ये भी रह गया ये भी रह गया, वो टेंशन में ही उस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी। ट्रिप पे यही होता है, ये पैक करना है वो पैक करना है, स्पेशली जब आपको ट्रिप पे कुकिंग करनी हो ना, तो सारा सामान इकट्ठा करना, रुरु के लिए लेना, दिवेश के लिए लेना, ओ गॉड बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। बट एनीवेज मैंने इस बार कपड़े पैक कर लिए हैं, और बाकी आज जो सामान है उसकी मैंने प्रॉपर लिस्ट बना ली है, जिससे मैं कुछ भी ना बोलूँ। मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में लिख लेती हूँ ना चीज़ें, कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जिससे मुझे याद रहे और मैं सारा सामान लेकर जाऊँ, फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी चलते हैं, पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और उसके बाद बचा हुआ काम स्टार्ट करेंगे अपना। आज सारी पैकिंग खत्म करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी खीर बना दी है मम्मी ने ऑलरेडी, और काफ़ी यम्मी लग रही है देखने में, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। चलो आज खीर खाएंगे बहुत दिनों बाद। और ये आलू उबाल दिए उन्होंने आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी बिजी थी, तो मम्मी ने बहुत सारा काम खत्म कर दिया यार, वरना मेरी तो बैंड बच जाती। तो अभी मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ भंडारे वाले आलू बनाते हैं, रेसिपी देखनी है, चलो फिर। और मम्मी ने ना यहाँ पे आज सारी पूड़ियाँ भी बना के रख दी हैं, अरे वाह आज तो मतलब मज़ा ही आ गया। चलो अब मेरा काम सिर्फ एक ही बचा है, रूरू के लिए खाना बनाना है और बस ये आलू बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर को काट लिया है, मैंने लगभग 3 टमाटर लिए हैं और मैं इसे पीसने वाली हूँ, इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद मैंने खूब सारी हरी मिर्च लेके उनको पतला पतला चॉप कर लिया है, बिकॉज तड़का हम यहाँ पर टमाटर हरी मिर्च और अदरक से ही लगाने वाले हैं। तो साथ में मैंने अदरक भी काट लिया था छोटा छोटा, बिकॉज दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, इसमें जो फ्लेवर है वो अदरक हरी मिर्च और टमाटर का ही आता है, प्याज लहसुन इसमें नहीं डलेगा। तो ये मेरी मिर्ची ऑलरेडी कट चुकी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं और इसमें खड़े मसाले यूज़ करूँगी जो मैं हमेशा करती हूँ। तो मैं भी यहाँ पर अदरक चॉप कर रही हूँ, अदरक भी अच्छा खासा डालना है आपको, अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप ऑप्शन में यहाँ पर सौंठ यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई अगर आपके पास रखी है वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। तो ये हमारा रेडी हो गया है छौंक कट के एकदम। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल लिया है, तेल के अंदर डाली एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता और ऊपर से जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, हरी मिर्च और अदरक भी डाल दिया है। और ऊपर से मैंने हल्दी डाली, इसमें लाल मिर्च डाली, धनिया ऐड किया है, धनिया और सौंफ आप मिक्स करके ऐड कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और ऊपर से डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसको अच्छे से जला दिया है यहाँ पर मसाला
सारा लगभग हमारा रेडी होने ही वाला है। अब जैसे मुझे लगा धनिया की खुशबू आ गई तो मैंने ऊपर से टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है और उसको थोड़ी देर चलाया है और फिर छोड़ दिया है रख के थोड़ी देर के लिए। और जब मैंने बाद में देखा तो उसने ऑयल छोड़ दिया था, तो कुछ इस कलर की आपकी ग्रेवी हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे पोटैटो को मैश कर लिया है अच्छे से, हाथ से ही, काटूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे मैश करी सब्ज़ी ज़्यादा बेटर बनती है। उसके बाद मैं इसे इस कढ़ाई में डालूंगी क्योंकि हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है और साथ में यहाँ पर चल रहा है ये अग्यारी जो मम्मी ने बनाई है साथ साथ, और मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक भी ऐड कर दिया और ऊपर से पानी ऐड कर रही हूँ। खूब सारा पानी डाल के अब मैंने इसे छोड़ दिया है पकने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट। साथ में बनाया है मैंने पालक का रायता, बूंदी भी डाल दी थी बाद में, और ये सब्ज़ी हमारी कुछ ऐसी लग रही है देखने में। इसमें कलर ऐड करने के लिए मेरी फेवरेट चीज़, घी में थोड़ी सी लाल मिर्च डालो, हल्का गर्म करो, ऊपर से डाल दो, बहुत सही कलर आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है इसमें। बाकी पूरी सब्जी में मैंने लाल मिर्च कहीं यूज़ नहीं की थी। आज हमारे घर में श्राद्ध की पूजा है तो अभी सारा जो ही पकवान वगैरह बनाए क्योंकि भोग वगैरह लगाना होता है और अब गैली वगैरह है तो अभी पूजा वूजा करते हैं, फिर उसके बाद हम भी जो है प्रसाद वगैरह खाएंगे। तो मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने सारी दालों को मिक्स करके रख लिया है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसको मैं पहले डबल करूँगी पॉलीथीन को और ऊपर से मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एक ही एक और पॉलीथीन जो कि थोड़ी सॉफ्ट है। और ये जो क्लिप्स है ना ये मैंने अमेजोन से ली थी, बहुत सारी आती हैं, एक साथ सेट आता है पूरा छोटी वही का, तो यही मैं ले रही हूँ यहाँ पर। और ये एयर टाइट होती है, आप कोई पैकेट खोल रहे हो चिप्स का उसमें खा के अगर बचा रहे हो तो भी आप रख सकते हो, उसमें एयर नहीं जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगी अभी पैकिंग में। अभी बिल्कुल नहीं हिलेगी यहाँ से, इट्स इंटैक्ट। तो भाई ये हमारी आज की थाली, सब्जी बनी एकदम मस्त, रायता बनाया मैंने बूंदी वाला, खीर है और पूड़ी है। हेलो लड़के, हंगरी बेबी, हंगरी बेबी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा पंडित जी, और कुछ? नमस्ते करो वाले खाने को, गुड बॉय। अरे बाबा ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है? सारे भगवानों को सब्जी टेस्ट करके बता कैसी है। सब्जी तो बहुत बड़ी कटोरी में लाई है तू, है मम्मी ने ये वो रख रखी थी छोटी वाली कटोरी में, क्या नहीं ले जाऊंगी, ठीक है और ले आऊंगी, रो मत, ये रूरू कटोरी है। अब कर कुछ बुराई नहीं, बढ़िया बढ़िया रायता उसने भी लगा हुआ है, ये नहीं कि रायता पी के देखे एक बार सबर नहीं होता हमसे। नमक वमक तो ठीक है सब में, ओके। तो ये सब करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है रूरू के एसेंशियल चीज़ें रखना, दाल चावल वगैरह मैंने सब रख दिया। इस बड़े से बैग में मैंने डायपर रखे हैं, रूरू का बेबी रब रख लिया है, एक ही पजामे रख लिया जो वहाँ पे उतरते एकदम सर्दी में उसको चाहिए होगी। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, काफ़ी अच्छी थी, अंदर से इसमें फर है बहुत सॉफ्ट है, और रूरू का ये एक पूरा पाउच बना है जिसके अंदर मैंने इसका टमी रोल ऑन, उसका डायपर क्रीम, और उसके अलावा एक हैंकी, उसके रबर बैंड्स है, पिंस, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और शैम्पू टूथपेस्ट वगैरह सब मैंने इसी के अंदर रखा है। तो इसके रूरू की दवाई भी है जो कि एसेंशियल होती है, जैसे कि मैं उसके लिए एक वॉमिट वाली दवाई ज़रूर लेकर जाती हूँ, एक छोटी सी पैरासीटामॉल, उसके दांतों की दवाई, ये सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा सिंपल इसमें बेसिक चीज़ें हैं, ये रोल ऑन परफ्यूम है क्योंकि पहाड़ों में ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, और ये कोयले का तेल है, बाकी सब चीज़ें कंघा टूथब्रश एवरीथिंग इज़ इनसाइड इट, और ये एक एक्स्ट्रा क्रीम भी ले लिया मैंने मॉइस्चराइजेशन के लिए, हाथ पैरों पर लगाने के लिए, मतलब सबका सामान इसी में आ गया। बाबा ये बाप करिए पहले नहीं खाने।